अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट द एग्जाम कैलोरी। वी विल कैलकुलेट द टैली ऑफ डिफरेंट कंट्री। वी हैव गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, वी सॉ द एग्जांपल, वी विल अंडरस्टैंड मोर व्हाट एवर वी हैव लर्न दैट डे इन दैट वीडियो थ्योरेटिकल। नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिकल नॉलेज। सी नंबर वन, मशल अटॉल इन ईरान। कहाँ पे ईरान? ईरान इज हियर, दिस इज ईरान। पिक्चर इन यू सी, दिस इज ईरान ऑन द ईस्ट, बिकॉज ईरान इज ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, सो दैट वाई इट इज रिटन ई। 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज द लोकेशन ऑफ मशल। सो When the twelve noon at Greenwich, calculate the local time of Mashhad call. चला, zero degree Greenwich में कितना time हो रहा है? 12 बज रहा है। तो Mashhad में कितना time हो रहा होगा? We have to calculate. As we move towards the east, we are moving east ना? East में move हो रहे हैं, we have to add the time. क्या करने को पड़ेगा? Time को add करने पड़ेगा. The local time increases. East of planet, the local time increases. By how much? 4 minutes of every longitude. हर longitude पे 4 मिनट क्या करने पड़ेगा? Calculate करने पड़ेगा। तो we have to solve the 4. See ya, the difference between the longitude of Greenwich and Mashhad is 60 degree. Greenwich कितना है? 0 degree. Mashhad का कितना है? 60 degree. तो difference कितना हुआ longitude का? 60 degree longitude का difference हुआ। Clear? 60 degree difference है longitude का। अगर समझ नहीं आया एक बार वापस से देखता मैं। I'm repeating. See, this is 60 degree, यहाँ पे 0 degree. अभी difference क्या होगा? 50, 30, 45, 60. ये difference है longitude का. तो मैंने क्या किया? Minus किया. तो दोनों tall के Greenwich और prime meridian, that is Greenwich. और Mashhad में क्या difference है longitude का? 60 degree. We have to minus first. कितना लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस हो रहा है। अब मुझे मालूम है 4 मिनट है एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए, एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए सर को कितना लगता है? 4 मिनट। तो 60 लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए कितना लगेगा? 4 into 60, यस 4 into 60 मिनट लगेगा। एक को कवर करने के लिए 4 मिनट लग रहा है, तो 60 लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए 4 into 60 मिनट लगेगा। गुड, तो व्हाट हाउ मच वी गॉट? 240 मिनट्स। नाउ अब 240 को क्या किए? आवर में कन्वर्ट कर दिए। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 240 में 4 आवर, तो टाइम डिफरेंस इज 4 आवर। सो कितना डिफरेंस है ग्रीनविच और मशहद का? 4 आवर। व्हाट इज 240 मिनट का 240 को आवर में कन्वर्ट किए। नाउ हाउ डिड वी कन्वर्ट? 1 आवर में 60 मिनट, तो 240 में कितना हुआ? 4 घंटा। तो 4 घंटे का क्या डिफरेंस है? तो यहां पे 12 बज रहा था, 12 में ऐड क्या मैंने बोला क्या कि वी हैव टू ऐड, ऐड वी आर गोइंग टुवर्ड ईस्ट। तो 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4, मतलब 4 बज रहे थे, 4 बजे शाम हो रहे थे, 4 PM, 4 PM बोला। कहां पे? देयर वुड बी 4 PM इन द मशहद। गॉट इट? 4 बजे शाम हो रहा है, 4 PM हो रहा है। कहां पे? मशहद पे, क्योंकि 4 घंटे ऐड के 12 बजे 12 में, तो 4 PM हो रहा है। गेटिंग? एक और सम कर देखते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर। एग्जांपल टू, लेट्स सी नाउ। मैन वाज अ सिटी इन ब्राजील। ब्राजील में एक सिटी है, कहां पे? वो 60 डिग्री वेस्ट है, 60 डिग्री वेस्ट, दिस इज 60 डिग्री और माइनस है कि 60 डिग्री वेस्ट में। अब यहां पे 12 बज रहा है, ग्रीनविच में 12 बज रहा है, ग्रीनविच में 12 बज रहा है, तो माइनस में कितना होगा टाइमिंग? ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो माइनस में क्या टाइमिंग रहेगा? तो डिफरेंस फर्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू? डिफरेंस
डिफरेंस कितना हुआ, 60 डिग्री का डिफरेंस हुआ, 0, 60 माइनस 0 दैट इज 60। अब माइनस किधर है, वेस्ट में ना, किधर है, वेस्ट में, तो क्या करेंगे टैन को माइनस करेंगे, तो टोटल टैन कितना हुआ, उसे पहले हम कैलकुलेट करते हाउ मच द डिफरेंस इज, द डिफरेंस इज लॉन्गिट्यूड बिटवीन टू प्लेस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का था एंड 1 डिग्री, 1 लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए 4 मिनट, तो 16 टू 4 दैट इज 240 मिनट, और इसको 240 मिनट को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू आवर, तो डिग्री में डिवाइड बाय 60, 240 डिवाइड बाय 60 इज 4 आवर, तो टाइम डिफरेंस इज 4 आवर, तो द टाइम डिफरेंस इज 4 आवर, हाउ मेनी आवर इन, तो यहां पे 12 बज रहे हैं, वेट इज 0 डिग्री पे, यहां पे 12 बज रहे हैं, तो यहां पे कितना होगा माइनस ही होगा, ये यहां पे माइनस ही है, ब्राजील चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा माइनस यहां पे, तो यहां पे कितना हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो यहां पे कितना होगा माइनस करेंगे, क्या करेंगे, सिंस वी आर गोइंग वेस्ट, यस या गोइंग वेस्ट ना, बट वी हैव टू डू माइनस, वी हैव टू डू माइनस, तो 12 बजे ओके नून माइनस करेंगे 4 आवर, इट इज कितना होगा आप कैलकुलेट करो, क्वेश्चन है 12 नून से माइनस कर टाइम 4 आवर, तो व्हाट द टाइम, इट इज 12 माइनस 4 इज 8 पीएम मॉर्निंग, 8 बजे सुबह हो रहा है, मॉर्निंग हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये बैक पीछे जा रहा है ना, टाइमिंग पीछे चल रहा है, ये टाइमिंग अहेड है, आगे ये पीछे जा रहे हैं माइनस के, 12 बजे दोपहर से 4 घंटा, तो 8 बज रहा है सुबह हो रहा है मॉर्निंग, 8 AM मॉर्निंग ऑफ रहा है इन माइनस, होप आई ऑल ऑफ यू गॉट दिस, आप इसको इस सम को दो बार तीन बार प्रैक्टिस करो, यहां पे मिस्टेक है 4 मिनट, इट शुड बी 4 आवर, माइनस टाइम बिहाइंड 4 आवर, पीछे 4 घंटा पीछे, देयरफॉर इट विल बी 9, इट इज 9 डिफरेंस, इट इज रॉन्ग, इट इज 8 AM, इट इज 8 AM, नाउ डू यू नो द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट अ प्लेस ऑन अर्थ, इट इज नून ओवर देयर, इसको क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं ना, तो व्हाट इज AM एंड PM, अब देखो AM और PM व्हेन इट इज फ्रॉम मिडनाइट एंड नून, रात में 12 बजे ओके, रात में 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक इज कॉल्ड एज एम, रात में 12 बजे, आज रात 12 बजे ठीक है, और फिर दोपहर होगा कल तो एम, और अभी क्या है, दिस इज 10 लाइक दिस 10 एम ओके, दिस 11:30 बज रहा है कुछ, सुबह हो रहेगा तो दिस एम, 12 बजे क्या होगा नून हो जाएगा, 12 बजे एम पीएम नहीं लगाते, 12 बजे नून में, आफ्टरनून में No AM, no PM, सिर्फ ओनली बट वी आर एट 12 नून, बट 12 बजे दोपहर से पहले जैसे अभी हो रहे हैं, क्या हो रहा है 11:30 समथिंग हो रहा है, तो 11:30 AM का मतलब क्या हो रहा है, मॉर्निंग हो रहा है, तो ए मतलब एंटी मेरिडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, एम इज अमेरिका इट गिव द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक, और उसका एक्यूरेसी क्या है, 1 सेकंड का एडजस्ट करने पड़ेगा, कितना मिलियन ऑफ ईयर में, मतलब हमेशा के लिए करने पड़ेगा, मतलब हमेशा फिक्स रहेगा, इंडिया में क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, दे कीप द रिकॉर्ड ऑफ इंडियन टाइम, इंडियन टाइम का रिकॉर्ड रखते हैं इंडिया में क्या टाइम आगे पीछे क्या हो रहा है, द क्लॉक यूज टू डिहर एक्यूरेट अप टू 1 लाख पार्ट ऑफ अ सेकंड, 1 लाख पार्ट ऑफ सेकंड एक्यूरेसी क्लॉक का, किसी का टाइम आगे पीछे हो गया तो कौन बोले मेरा टाइम सही, वो बोलेगा मेरा टाइम सही,
तो टैमी का किसके लिए यूजर है? स्पेस के लिए, स्पेस लॉन्चिंग के लिए, सैटेलाइट के लिए इट इज यूजफुल. अभी जंतर मंतर यू मैट हैव हर्ड द नेम, दे देयर अ किंग हु ऑर्डर कि टैन कैसे आगे पीछे हो रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो शैडो को यूज किया उसने, शैडो को यूज करके उसने ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया और मॉन्यूमेंट पे तो देखा शैडो कैसे चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से टैन कैलकुलेट करता था वो. तो व्हाट द बेनिफिट ऑफ दैट है आई डोंट नो. अभी इंडिया में डिफरेंट प्लेस पे भी है और कहते हैं इसको कि वो अप टू सेकंड तक का एक्यूरेसी दिखा रहे हैं. आई नॉट विजिटेड, दोज हैव विजिटेड यू कैन शेयर कॉमेंट कि कैसा आपको लगा वहां पे. यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के सभी रखे बोलते कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं देखने के लिए, प्लैनेट ये सब देखने के लिए ये भी था वहां पे. तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स वी विल डू द समरी. समरी देख लेते हैं. दिस चैप्टर भी ना Earth in 24 hours to rotate, and this is the sun travel from east to west. We learn about time in this lesson. Earth rotate like 24 hours, and sun is travel from east to west. Means Earth is moving from west to east, and 24 hours is the needed by sun to cover 360 longitude. Earth is 360 है longitude, उसको cover करने के लिए क्या लग रहा है? 24 hours लग रहा है. Okay. Practice the sum, you will understand better. Thank you all of you. Assalamu alaikum.